Раз так, я проясню ситуацию. Идем. Пусти. Я убью вас. वेलकम डियर ऑकर्ड, स्वागत है आपका लॉकअप मूवी में। तो मूवी की शुरुआत स्पेन में होती है, जहां लुइस नाम का एक आदमी अपने बेटे फ्रैन की हरकतों से बहुत तंग आ चुका है। फ्रैन ना ही अपने पापा की बात मानता है, ऊपर से लड़ाकू भी हो गया है और बदतमीज भी, और अब तो उसने शराब पीना और सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि वो अपने पापा तक की इज्जत नहीं करता और ऊपर से अपने पापा पर इल्जाम लगाता है कि आपकी वजह से मेरी माँ मुझको बचपन में छोड़कर चली गई थी। इस सब के अलावा वो रात भर अपने दोस्तों से कंप्यूटर पर बात करता रहता है और इसके दौरान वो इतना शोर मचाते हैं कि बेचारा लुइस सो ही नहीं पाता, जबकि उसको सुबह उठकर अपने काम पर भी जाना होता है। अब लुइस अपने बेटे से बात करते हुए बोलता है, बेटा अगर तुम अपना भविष्य सुधारना चाहते हो तो तुमको अच्छे से रहना सीखना होगा। लेकिन फ्रैन तो इतना बदतमीज हो गया है कि कभी भी अपने पापा की बातों पर ध्यान नहीं देता। अब ज्यादातर समय फ्रैन अपने सबसे अच्छे दोस्त नूरिया और मिगुल के साथ गुजारता है, और नूरिया ही वो पहली लड़की होती है जिसके साथ वो थोड़ा इंटीमेट भी होता है। नूरिया बोलती है, मुझे लगता है हम दोनों के बीच बहुत प्यार है, लेकिन जवाब में फ्रैन बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बात को सुनकर बेचारी नूरिया का दिल ही टूट जाता है। अब इस सब के दौरान लुइस की टेंशन और बढ़ती जाती है, क्योंकि फ्रैन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। अब जब लुइस काम कर रहा होता है तो तभी उसको कुछ कॉल्स आती है। सबसे पहले फ्रैन की टीचर की कॉल होती है, वो लुइस से मिलना चाहते हैं और बताते हैं कि फ्रैन ज्यादातर क्लास में नहीं आता। फिर कुछ दिनों बाद उसको हॉस्पिटल से कॉल आती है, क्योंकि फ्रैन और मिगुल ने किसी के साथ लड़ाई की है। जब लुइस अपने बेटे को लेने जाता है तभी मिगुल के घर वाले बोलते हैं, आप अपने बेटे को काबू में रखिए वरना ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, उसके साथ रहकर तो हमारे बच्चे भी बिगड़ते जा रहे हैं। अब ये सुनकर लुइस को बहुत गुस्सा आता है और वो फ्रैन को बहुत डांटता है और बोलता है, अब से तुम दुकान में काम करने के लिए आओगे। लेकिन फ्रैन तो जिद्दी और बदतमीज है, वो इसके जवाब में गाड़ी पर लात मारता है और फिर अपने पापा पर हाथ भी उठाता है और उसके बाद वहां से भाग जाता है। अब दिखाते हैं तो आज फ्रैन का 17वां जन्मदिन है और इस मौके पर वो अपने पापा के पैसे चुराता है और शराब लेकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। वैसे तो उसका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होता है, लेकिन जब वो शाम को नूरिया को किसी और लड़के के साथ देखता है तब उसका मूड खराब होता है। अब इस सब के दौरान दिखाते हैं तो लुइस अपने घर पर अकेला होता है और वो अपने बेटे के लिए केक लेकर भी आया हुआ है। अब बेटा चाहे जैसा भी हो, पापा का प्यार तो बना हुआ ही रहेगा। फिर फ्रैन का काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो खुद ही केक काट लेता है और उसके बाद वो तय करता है कि अब बहुत हो गया है, मैंने अपने बेटे की उल्टी हरकतें बहुत सहन कर ली हैं। फिर वो अपने बेटे को ठीक करने के लिए इंटरनेट पर कोई तरीका ढूंढता है और तभी उसको CIMCA के बारे में पता चलता है। ये एक ऐसी जगह है जहां बिगड़े हुए बच्चों को सुधारा जाता है। अब लुइस कुछ वीडियोस देखता है जिसमें वहां के ठीक हुए बच्चों के माँ बाप अपने अनुभव बता रहे होते हैं। उन लोगों के बच्चे भी पहले बिगड़े हुए थे, बदतमीज थे और गंदी गंदी हरकतें करते थे, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप पर हाथ भी चला देते थे। लेकिन CIMCA में आने के बाद उनके बच्चे बिल्कुल बदल गए हैं और वो अच्छे से व्यवहार करने लगे हैं। अब जैसे ही लुइस को पता चलता है कि फ्रैन आ चुका है, वो तुरंत वीडियोस बंद कर देता है। फ्रैन काफी उदास है और वो इस बारे में लगभग अपने पापा से बात करने वाला होता है, लेकिन आखिर में वो कुछ बताए बिना ही सोने चला जाता है। अब अगले दिन लुइस CIMCA में जाता है ताकि वो पता कर सके कि वहां बच्चों में बताओ कैसे किया जाता है। एक आदमी वहां पर आए लोगों से बोलता है कि कैसे घर की गलतियों और बच्चों का गलत पालन पोषण की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो आदमी ये सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है और इस तरीके से बोलता है कि लोग उससे कन्विंस हो जाएं और अपने बच्चों को यहाँ पर भेज दें। और देखते देखते लोगों पर उसकी बातों का काफी प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि जब भी वो कोई सवाल पूछता है वहाँ बैठे लोग जोश के साथ उठते हैं और उसका जवाब दे देते हैं। अब इस सब के दौरान फ्रैन अपने घर में है और उसको मिगुल का फोन आता है। वो बोलता है, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता क्योंकि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं और वो इन सब चीजों से परेशान हो गए हैं। अब फ्रैन उससे भी गुस्सा हो जाता है और उसकी भी बेइज्जती करता है और फोन काटने से पहले बोलता है, तुम धोखेबाज हो। उसके बाद वो नूरिया को फोन करता है और उसको भी बुरा भला कह देता है, क्योंकि उस समय पार्टी में नूरिया ने किसी और को किस की थी। नूरिया तो फ्रैन को कह देती है कि मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मुझको मना कर दिया था, और ये कहकर वो फोन काट देती है। अब दिखाते हैं तो आखिरकार लुइस अपना फैसला ले चुका है, और जब रात होती है तो दो अजनबी आकर फ्रैन को अगवा कर लेते हैं। फ्रैन मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन लुइस बोलता है, बेटा ये तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ मैं। अगली सुबह दिखाते हैं तो फ्रैन CIMCA में पहुंच चुका है और उसका स्वागत करने आए प्रिंसिपल ऑस्कर की फ्रैन बेइज्जती कर देता है, लेकिन ऑस्कर बहुत ही स्ट्रिक्ट है और इस तरह की हरकतें वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो तभी फ्रैन को पकड़कर दीवार के साथ लगा देता है। ऑस्कर बोलता है, अगर तुम यहाँ की मुश्किल सजाओं से बचकर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें सभी के साथ इज्जत से पेश आना होगा। और अब फ्रैन को नए कपड़े दिए जाते हैं और उसके सर को गंजा भी कर दिया जाता है। फिर उसको उसकी उम्र के बच्चों के पास भेज दिया जाता है। सभी उसका स्वागत करने के लिए फौजियों की तरह खड़े हो जाते हैं और एक साथ मिलकर बोलते हैं, आपका यहाँ स्वागत है। फिर उनको नियम सिखाने के लिए एक वीडियो दिखाई जाती है। अब जैसे ही फ्रैन एक लड़के से बात करने की कोशिश करता है,
तभी वहाँ पर सभी को खड़ा करके चुपचाप नियमों को सुनने के लिए बोला जाता है। उन सभी लड़कों में एक चीज कॉमन होती है, उन सभी के चिन के नीचे एक भूरे रंग का निशान होता है। अब इसके बाद फ्रैन अपने अगले दिन के सभी काम करता है और अब से उसको रोज यही सब काम करने होंगे। अब सभी को मेहनत करना सिखाने के लिए सुबह के समय कपड़ों में लगाई जाने वाली पिंस बनवाई जाती है। इसके बाद सभी दोपहर का खाना खाते हैं, फिर या तो उनको दोबारा पिन बनाने के लिए भेज दिया जाता है या फिर एक्सरसाइज करने के लिए भेज दिया जाता है, और उनके शरीर की भी रेगुलर समय में जांच की जाती है। फिर उनको अच्छे से व्यवहार करने के लिए कुछ वीडियोस भी दिखाई जाती हैं। इस सब के दौरान दिखाते हैं तो आखिरकार लोइस को आराम करने के लिए थोड़ा मौका मिल जाता है, लेकिन उसको अपने बेटे की याद भी आती है और वो गिफ्ट से भरा हुआ एक डब्बा अपने बेटे फ्रैन के लिए भेजता है जिसमें पानी की एक बोतल भी है। जब गिफ्ट्स वाला डब्बा CIMCA में पहुंचता है तो फ्रैन को गिफ्ट्स देखने के लिए दिए जाते हैं क्योंकि वो उनको अपने पास नहीं रख सकता। CIMCA में होने वाली चीजों में एक थेरेपी सेशन भी है जिसके लिए सभी को जाना होगा। अब सभी लड़के बताते हैं उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसलिए फ्रैन भी मौके को समझते हुए बोलता है, मेरे पापा एक ऐसे इंसान है जो लोगों से बोर हो जाने के बाद उनको खुद से दूर कर देते हैं, इसलिए उन्होंने मुझको यहाँ पर भेज दिया है। ऐसे ही उन्होंने मेरी माँ को भी मुझसे दूर कर दिया था। हालांकि जब डॉक्टर उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है और तुम्हें इस तरह से पेश आना चाहिए, तब वो थोड़ा रियलाइज करता है और अपने पापा को मिस करता है। अब बाद में दिखाते हैं तो टीचर्स के कमरे में ऑस्कर सभी को याद दिलाता है कि न्यू डे जल्द ही आने वाला है और एक नए टीचर नंदो को इस न्यू डे के बारे में समझाता है। वो बोलता है कि इस एक दिन के लिए सभी नियमों को हटा दिया जाता है और बच्चों को एक छोटी सी पार्टी करने का मौका दिया जाता है, इसकी मदद से हमारे और बच्चों के बीच विश्वास बनेगा। अब नंदो थोड़ी उलझन में है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए वे कुछ शिकायतें करता है। वो बोलता है कि ये गलत चीज है, हमें भी बच्चों के साथ खाना खाना पड़ता है और यहाँ तक कि यहाँ पर तो गर्म पानी भी नहीं है। हालांकि ऑस्कर इन सब शिकायतों को नजरअंदाज कर देता है और ये सुनकर नंदो का थोड़ा मूड खराब हो जाता है। अब रात की खाना खाने के समय दिखाते हैं, वहाँ पर एक बच्चा बड़े आराम से खा रहा होता है और इसको देखकर नंदो बड़ा पागल हो जाता है क्योंकि उसको तब तक वहाँ पर बैठना पड़ेगा जब तक उस बच्चे ने पूरा खाना नहीं खाया। फिर नंदो गुस्से में उस लड़के के सर को दो बार टेबल पर मारता है। इसके बाद वो बच्चे को जमीन पर गिरा देता है और जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालने लगता है, और ये सब देखकर बाकी के बच्चे जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगते हैं, लेकिन वो जमीन पर गिरा लड़का नंदो की बेइज्जती करने लगता है, जिसके जवाब में नंदो उसको और जोर का मुक्का मारता है और फिर पेपर स्प्रे से उसके ऊपर मिर्ची भी डाल देता है। बेचारा लड़का CIMCA के क्लिनिक में पहुंच जाता है। वो जिंदा तो है लेकिन बहुत ही बुरी हालत में है। अब इस बात के बारे में CIMCA के मालिक को पता चलता है और वो अब बड़ी टेंशन में है क्योंकि अगर बच्चों के माँ बाप को इस बारे में पता चल जाएगा तो उनके लिए यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब बाद में ऑस्कर नंदो को डांटता है, लेकिन नंदो तो अभी भी ये बोलता है कि हमें बच्चों के साथ और सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। अब ये सुनकर ऑस्कर नंदो को टेबल पर पकड़ कर लगा देता है और धमकी देता है कि अगर तुम CIMCA के नियमों के पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। अब रात होने पर दिखाते हैं तो कोई लड़कों के सोने वाले कमरे में आता है और उनकी वीडियो बनाने लग जाता है। तभी फ्रैन को कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो जाग जाता है। फिर वो ये देखने बाहर जाता है कि वहाँ हो क्या रहा है, और धीरे धीरे पहरेदार से बचते हुए फ्रैन एक कमरे में पहुंचता है जहाँ पर एक लड़की को बेड से बांध कर रखा गया है। उस लड़के की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उसके मुंह से आवाज ना निकल पाए इसलिए उसके मुंह में कुछ डाला भी होता है। कानों पर हेडफोन्स भी लगाए होते हैं जिनमें बहुत तेज आवाज में गाने चल रहे होते हैं। जब फ्रैन उस लड़के के गले में डली चीज को निकालता है, वो लड़का जोरों से चिल्लाने लगता है। अब फ्रैन सोचता है कि इसकी आवाज को सुनकर और भी यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। फिर जैसे तैसे पहरेदारों से छुपते हुए वो एक स्टोर रूम में पहुंच जाता है, लेकिन पहरेदार भी उसको पकड़ लेते हैं। अब बचने के लिए फ्रैन उस आदमी पर छलांग मारता है और उसके खूब पिटाई करना शुरू कर देता है। आखिर में दो और पहरेदार आते हैं और फ्रैन को सजा देने वाले कमरे में लेके जाते हैं, और आज यहाँ पर आकर फ्रैन को पता चली जाता है कि क्यों सभी बच्चों की ठोड़ी के नीचे भूरे रंग का निशान है। सभी बच्चों को जबरदस्ती हाथों को खोलकर घंटों तक उल्टा रखा जाता है, उनको बाथरूम जाने का भी मौका नहीं दिया जाता, इसलिए बच्चे वहीं पेशाब कर देते हैं। वहां पर हमेशा एक पहरेदार उन पर निगरानी रख रहा होता है। लेकिन अब रात को दोबारा दिखाते हैं तो फिर से कोई आदमी आता है और उन मुसीबत से गुजर रहे बच्चों की वीडियो रिकॉर्ड करता है। अब उन बच्चों की सजा को और तेज करने के लिए वे बहुत ही तेज आवाज में गाने चलाने लग जाते हैं जो कि कानों में दर्द कर देते हैं। अब जैसे ही उनकी सजा खत्म होती है तो फ्रैन की ठोड़ी पर भी भूरे रंग का निशान बन चुका होता है। अब इस सब के दौरान दिखाते हैं तो लुईस एक ग्रुप का हिस्सा बन गया है और इस ग्रुप को उन माँ बाप ने बनाया है जिन्होंने अपने बच्चों को CIMCA में भेजा है। उस ग्रुप की होस्ट वही डॉक्टर है जो कि CIMCA में बच्चों की बातें सुनती है। लुईस बताता है कि फ्रैन उसके लिए कितनी मुसीबतें खड़ी कर देता था। उसके बाद डॉक्टर अर्नेस्टो से उसके अनुभव को बताने के लिए बोलती है। अर्नेस्टो अपनी पत्नी लज और बेटी सैंड्रा के साथ आया हुआ है। सैंड्रा 20 महीने तक CIMCA में रही है और अब उस राफत के साथ रहने लगी है। लेकिन अर्नेस्टो और भी चीजें बताता है, जैसे कि सैंड्रा अपना पैर हिलाना रोक नहीं पाती है और लगता है कि वो लोगों से दूर रहना ही पसंद करने लगी है।
इन बातों के बीच में सैंड्रा बोलती रहती है, पापा मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन अनस्ट्रो बोलता है, बेटी थोड़ा रुक जाओ, हमारी बारी खत्म होने तक का इंतजार करो। लेकिन कुछ देर बाद सैंड्रा वहीं पर पेशाब कर देती है। अब जैसे ही लस का ध्यान जाता है, वो अपनी बेटी को वहां से लेके जाती है। लेकिन ये सब देखकर लुइस के दिमाग में कुछ और ही सवाल आने लग जाते हैं। उसको महसूस होता है कि मैं अपने बेटे को काफी मिस कर रहा हूँ। उसको अपने बेटे की याद आने लग जाती है। इसलिए जब वो वापस घर पहुंचता है तो वो फ्रैंक के कमरे में जाता है और फ्रैंक का कंप्यूटर देखने लगता है। फिर जब वो देखता है कि उसके दोस्त और उसने काफी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें वो सभी मौज मस्ती कर रहे हैं, और बेचारा ये सब देखकर रोने लग जाता है। कुछ वीडियोस में खुद लुइस भी है। फिर अगले दिन लुइस फ्रेंड से मिलने जाता है, लेकिन उसको प्रिंसिपल ऑस्कर के ऑफिस में भेज दिया जाता है। अब ऑस्कर देखता है कि बच्चे खिड़कियां साफ करते हुए मजाक मस्ती कर रहे हैं, लेकिन लुइस को देखकर ऑस्कर उनका स्वागत करता है। वो बोलता है, लुइस आप अपने बेटे से नहीं मिल सकते क्योंकि उसको गलत काम करने के लिए सजा दी गई है। अब लुइस को उस रात की कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जब फ्रैन ने पहरेदार की पिटाई की थी। ऑस्कर फ्रैन की हरकतों के बारे में बताते हुए बोलता है, आपका बेटा ज्यादा बिगड़ा हुआ है और इसलिए सजा के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इस सजा के चलते हुए वो आपसे भी नहीं मिल सकता। अब ये सुनकर लुइस चला जाता है। अब लुइस के जाने के बाद ऑस्कर उन लड़कों से मिलने जाता है जिनको पढ़ाई वाली वीडियो देखने को कहा गया था। ऑस्कर देखता है कि सभी लड़के मौज मस्ती कर रहे हैं। उसको देखते ही सभी चुप हो जाते हैं, लेकिन ऑस्कर अब उनको दोबारा सजा देना चाहता है। और अब की बार इतनी सी सजा ऑस्कर को काफी नहीं लगती, इसलिए वो एक नई सजा देना चाहता है। सभी लड़कों को फिर बाहर ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। उन्होंने बस एक कच्छा और बनियान पहना होता है और उनकी आंखों पर पट्टियां बांधी गई होती है। उनके हाथों को भी बांध दिया गया है और अगले कुछ दिनों तक उनको सोने भी नहीं दिया जाता। उनको तब तक अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा जब तक वो खड़े रह सकते हैं। जो भी नीचे गिरता है उसको वापस सजा वाले कमरे में लेके जाया जाता है। अब जैसा कि होना ही था, धीरे धीरे सभी जमीन पर गिर रहे होते हैं और फिर उनको दोबारा सजा वाले कमरे में ले जाया जाता है। अब वहां पर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि उनको ऐसे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जल्द ही पिंजरे के अंदर बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है क्योंकि सभी लोग बाथरूम तो जा नहीं सकते, इसलिए वो पिंजरे में ही हल्के हो जाते हैं। और जब खाना खाने की बारी आती है तो भी मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक आदमी खाना लेकर आता है और खाने का डब्बा पिंजरे के बीच में छोड़ देता है। फिर सभी लड़कों को जल्दी से खाना लेना पड़ता है क्योंकि हर बार एक लड़के का खाना कम आया होता है। और जो लड़का खाना लेने में सबसे ज्यादा देरी करता है उसको भी सजा वाले कमरे में दोबारा ले जाया जाता है। अब टीचर्स के कमरे में दिखाते हैं तो नंदो को किसी बात को लेकर डॉक्टर पर शक हो रहा होता है। बाद में वो डॉक्टर को कैमरे के साथ पकड़ लेता है और डॉक्टर ही वो इंसान है जो कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। वो बोलती है, मैं इंटरनेट पर डाल के पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि CIMCA क्या क्या चल रहा है। लेकिन ऑस्कर बोलता है, तुम पागल हो, बच्चों के माँ बाप इस तरह से अपने बच्चों को ठीक करवाना चाहते हैं। आखिर में सभी बच्चे नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फ्रैन अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है, जिसका मतलब यह है कि फ्रैन इस पागलपन से भरे मुकाबले को जीत चुका है। और फिर उसको उसके रोजमर्रा के काम को करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर फ्रैन सभी बच्चों की तरह खोया खोया महसूस करने लगा है। बेचारे लुइस को तो पता नहीं है कि उसके बेटे के साथ क्या क्या हो रहा है। वो अभी भी दूसरे बच्चों के माँ बाप से मिलने जाता है और इस सब के दौरान वो लल्स के काफी करीब आ जाता है। साथ ही साथ दिखाते हैं कि लुइस कुछ कानूनी कार्रवाई में भी फंसा हुआ है क्योंकि उसने फ्रैन की माँ से पूछे बिना फ्रैन को CIMCA में भेज दिया है। ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि फ्रैन की माँ तो तभी फ्रैन को छोड़कर भाग गई थी जब फ्रैन एक छोटा बच्चा था, और उसके बाद से कभी उसने फ्रैन को मुड़कर नहीं देखा। हालांकि लुइस को बोला जाता है कि चाहे तुम्हें ये बात पसंद हो या ना हो, लेकिन फिर भी फ्रैन की माँ का नाम पेपर्स पर है, और अगर फ्रैन से जुड़े सभी फैसले तुम अकेले लेना चाहते हो तो उसकी माँ के साइन करवा के लेके आ जाओ। अब लस भी आसपास ही रहती है और लुइस का ध्यान फिलहाल फ्रैन और उसकी माँ से हट जाता है। अब ये दोनों साथ में घूमते हैं, खाते पीते हैं और यहाँ तक कि आखिर में दोनों किस भी करने लग जाते हैं। इस सब के दौरान सैंड्रा अपने पापा से कंप्यूटर चलाने के लिए मांगती है और उसको इंटरनेट पर डॉक्टर की डाली CIMCA की वीडियो मिल जाती है। इसकी वजह से सैंड्रा को बहुत घबराहट होने लगती है और वो बालकनी में जाकर अपनी जान दे देती है। अब इंटरनेट पर इस वीडियो की वजह से CIMCA का मालिक ऑस्कर से मिलने आता है और नियमों का सख्ती से पालन करने को बोलता है। और फिर तभी से ऑस्कर बच्चों के साथ और भी ज्यादा सख्ती से पेश आने लग जाता है। वो बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर उनको सजा देता है और उनकी छोटी छोटी बातों पर भी सजा वाले कमरे में उनको भेज देता है। वो बच्चों से तब तक एक्सरसाइज कराता है जब तक कि बच्चे थक नहीं जाते और उनका बुरा हाल नहीं हो जाता। यहाँ तक कि वो बच्चों से उनकी उल्टियाँ हाथों से उठवाता है। अब एक दिन फ्रैन को होश आता है और वो लंच के बाद कहीं और जाने से मना कर देता है क्योंकि अब वो वहाँ पर चल रही चीजों के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। लेकिन ऐसा करने के लिए फ्रैन को सबसे खतरनाक सजा मिलती है। उसको उसी कमरे में सजा देने के लिए भेज दिया जाता है जहाँ उसको कुछ हफ्ते पहले वो लड़का मिला था, और अब फ्रैन को भी वैसे ही बांध दिया जाता है जैसे कि उस रात उस लड़के को बांधा गया था। फ्रैन के कान पर भी हेडफोन्स लगाए जाते हैं और उस पर तेज आवाज में गाना चला जाता है। उसकी आंखों पर पट्टी होती है और अब फ्रैन को काफी अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लग जाती है। और जब बेचारे की सजा खत्म होती है तब तक फ्रैन एक लाश की तरह हो जाता है।
अब इसके बाद उसको जिम ले जाया जाता है, जहां फ्री डे वाले दिन लड़कों और लड़कियों के साथ में डांस करवाया जा रहा है। बच्चों को वॉल्स डांस करने दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के डांस में लड़के लड़की के शरीर एक दूसरे को टच नहीं करते। लेकिन जब लड़के फ्रेंड की हालत को देखते हैं, तो एक और लड़का उनको विरोध करने के लिए अपना डांस करना बंद कर देता है। अब ये देखकर ऑस्कर और पागल हो जाता है और वो उस लड़के को मुक्का मारता है। इसके बाद वो काफी बच्चों पर चिल्लाते हुए उनको धक्का मारता है, ताकि कोई विरोध करने के बारे में सोचे भी ना। अब इसी दौरान दिखाते हैं तो CIMCA में भेजे गए बच्चों के माँ बाप मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। लुइस भी पार्टी में जाता है, लेकिन सैंड्रा की मौत के बारे में उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है, और इस वजह से वो चुपचाप किसी से कुछ बोले बिना ही पार्टी छोड़कर घर चलाता है। कुछ समय बाद लुइस लज से मिलने जाता है, जो कि अपनी बेटी की मौत के लिए अभी भी रोती रहती है और खुद को इस सब का जिम्मेदार मानती है। लुइस उसको थोड़ी तसल्ली देता है और उसको थोड़ा अच्छा महसूस करवाता है और बोलता है, मैं अपने बेटे फ्रेंड को वहां से वापस लेकर आऊंगा। अब CIMCA में पहुंचकर लुइस फ्रेंड की हालत देखकर बड़ा हैरान हो जाता है और नैंदो से पूछता है, तूने मेरे बेटे के साथ क्या कर दिया? जवाब में उसको बोला जाता है, जैसा आपने हमको करने को बोला था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। घर जाते हुए फ्रेंड अपने पापा को हेलो भी नहीं बोल पाता और पूरे रास्ते बिल्कुल शांति रहता है। लेकिन घर पहुंचकर वो नूरिया को फोन करता है, ताकि वो दोनों मिल सके। नूरिया बड़े प्यार के साथ फ्रेंड से बात करती है, जिसकी वजह से फ्रेंड को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। अब वापस पहले जैसी जिंदगी शुरू करना फ्रेंड के लिए आसान नहीं है। फ्रेंड अब अच्छी तरह से रहता है और ना ही शराब पीता है। लेकिन उसके पापा के कमरे में आते ही वो अपने कमरे में चला जाता है, और अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अपने कमरे की सारी डेकोरेशन निकाल देता है, क्योंकि अब उसे वो सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब लुइस फ्रेंड का अच्छा व्यवहार देखकर उसके लिए एक नया मोबाइल फोन लेकर आता है, लेकिन फ्रेंड मोबाइल लेने से मना कर देता है और साथ ही उसके पापा की गिफ्ट दी गई पानी की बोतल भी वापस कर देता है। वैसा करके दिखाना चाहता है कि मेरा प्यार आप गिफ्ट देकर नहीं खरीद सकते। अब एक दिन जब वो दोनों मिलकर खाना बना रहे होते हैं, तो फ्रेंड आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आपने मुझे CIMCA में क्यों भेजा? हालांकि लुइस तभी बीच में कहता है कि बेटा, जो मैंने किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो बोलता है, हाँ मैं मानता हूँ कि CIMCA में तुमको भेजना मेरी गलती थी, लेकिन मैंने आज तक जो किया वो सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। तुम्हारी माँ हमें इसलिए छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो एक छोटे बच्चे को पालने के लिए तैयार नहीं थी। वो तुम्हें पालने की जगह अपनी जिंदगी मस्ती से गुजारना चाहती थी, और मुझे अकेले तुमको पालना पड़ा, और अकेले रहकर एक बच्चे की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से तुम्हारी हरकतें इतनी बुरी थी कि तुमको कंट्रोल करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर लुइस अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलता है, बेटा मैं हमेशा से मेहनत करके तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहता हूँ, तुम्हारे भविष्य के लिए अपॉर्चुनिटीज बना रहा हूँ, पर तुम हमेशा से ये सब वेस्ट करते आए हो, और इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो गई थी। मुझे लगा था कि CIMCA में जाकर तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन वहाँ चलने वाली चीजों का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे साथ वहाँ पर ये होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं भेजता। अब लुइस अपने दर्द को छुपा छुपा के बहुत तंग आ चुका है, और वो बताता है कि वो अपने बेटे फ्रेंड को कितना प्यार करता है, और इसके दौरान वो खुद रोने लग जाता है। अब ऐसा होता देखकर फ्रेंड भी रोने लग जाता है। कुछ समय बाद दिखाते हैं तो लुइस फ्रेंड की माँ के पास जाता है, ताकि वो फ्रेंड की पूरी जिम्मेदारी अपने हवाले कर सके। फ्रेंड भी उसके साथ आया है, लेकिन वो अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता, और इसलिए गाड़ी में ही लुइस का इंतजार करता है। अब लुइस के हाथों में फ्रेंड की पूरी जिम्मेदारी के पेपर्स है। वो काफी भावुक हो गया है, इसलिए वो गाड़ी चला नहीं पाता। वो गाड़ी रोक के खुद को थोड़ा शांत करने के लिए बारिश के नीचे खड़ा हो जाता है। अब अपने पापा के लिए फ्रेंड बहुत ही बुरा महसूस करता है। वो गाड़ी से निकलकर लुइस को गले लगाता है, और कुछ दिनों बाद दिखाते हैं तो दोनों बाप बेटे मिलकर छुट्टी मनाने के लिए समुद्र किनारे जाते हैं, ताकि वो अपने रिश्ते को और अच्छा कर सके। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, आपके विचार क्या है इस मूवी पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, तो मूवी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।